Well, thank you very much, sir. Now I would like to invite Professor Khurram Shahzad. Can you please come on stage and say a few words about the author? सन 2001 लाहौर का पसमानदा इलाका शाहदरा टाउन। शाहदरा टाउन के एमसी बॉयज हाई स्कूल की नवी जमात ने तीसरे बेंच पे बैठा 13 साल मासूम बच्चा किताब सामने खोले ख्यालों में खोया है। मास्टर जी आवाज पे आवाज दे रहे हैं मगर उसे कोई खबर नहीं। सारी क्लास उस पे हंस रही है। मास्टर जी के माथे पे शिकने पड़ रही हैं मगर उसे कोई इल्म नहीं। वो तो अपनी ही दुनिया में खोया सोच रहा है स्कूल से घर जाऊंगा तो पता नहीं रोटी भी होगी खाने को या नहीं। अभी स्कूल की वर्दी भी तब्दील नहीं की होगी कि लड़का बुलाने आ जाएगा चलो उस्ताद जी बुला रहे हैं। फिर वही कच्चा सा मकान बिन खिड़की के कमरा पान खाते सिगरेट पीते लड़के और बचता हुआ पुराना म्यूजिक कढ़ाई का कारखाना और 13 साल बच्चा। रात गए तक मोती लगाते हैं थक के घर जाना है चारपाई पे लेटते ही नींद आ जाएगी। न वर्दी बदली न स्कूल का काम किया। इतने में मास्टर जी आके हिलाते हैं और बच्चा चौंक जाता है। आज भी सबक याद नहीं आज भी डंडे बरसाए जाएंगे आज भी सारी क्लास हंसेगी मगर कोई ये जानने की कोशिश नहीं करेगा कि सबक क्यों याद नहीं। मुझे किताब कड़वे सच का दिबाचा लिखने का एजाज हासिल हुआ। मैंने अव्वल ता आखिर कई मरतबा इसे पढ़ा। मुझे ये कहते हुए कोई आर नहीं कि बाज जगहों पे मुझे इख्तलाफ भी हुआ और होना भी चाहिए। इख्तलाफ राय जिंदा जमीर की निशानी है। तो बहरहाल किताब को मुतअद्दद बार पढ़ा। ये ज़ाती तजर्बात और मुशाहदात का मजमुआ है। इसमें कहीं आपको ज़ुल्फ़े जाना का जिक्र तो नहीं मिलेगा लेकिन जिंदगी के अमली इकदामात के मुतालिक बहुत कुछ मिलेगा। कौमों की तरक्की और तनजली के असबाब मिलेंगे और मुस्तकबिल के निसाब मिलेंगे। इस किताब की एक खूबी जो मुझे सबसे ज्यादा भाई वो इसका अंदाज तहरीर है। मुमताज मुफ्ती और हसन निसार की तहरीरों की तरह आमियानापन हल्का फुल्का अंदाज और कहीं कहीं सख्त लहजा। किताब पढ़ते हुए ये महसूस नहीं होता कि हम किताब पढ़ रहे हैं बल्कि यूं लगता है जैसे दो दोस्त आमने सामने बैठे आपस में बातचीत कर रहे हैं और उनकी बात का सिर्फ एक ही उन्मान है। हमारी तरजीहात हमारी जरूरतों से यकसर मुख्तलिफ हैं। यूं समझ लें कि प्यासे को रोस्ट खिला खिला के मारा जा रहा है जब तक लोग हॉस्पिटलों में बीमार पड़े हैं सड़कें बनाने से उन्हें आराम नहीं आएगा। हमें अपनी तरजीहात को अपनी जरूरियात के मुताबिक ढालना होगा। शुक्रिया।